बिल्कुल सही। जिंदगी में किसी भी इम्तिहान से डरने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी तैयारी पक्की है ना, तो बस आपको कोई नहीं हरा सकता। क्या हुआ हमारा, बोलो। चल ऑल द बेस्ट, मैं तेरी टेस्ट के बाद मिलूंगी, मेरी क्लास है। बाय मिस अमायरा। सर बड़ा डर लग रहा है प्रिंसिपल साहब। ऐसे में तो चुप, उसको नर्वस करेगा तो। इसको बोल के अंदर अपनी अपनी ना कहते रहे, प्रिंसिपल मैडम की भी ध्यान से सुने। बोल बिटिया, सिकंदर जी कह रहे हैं कि अंदर ना सिर्फ आप अपनी अपनी ही नहीं कहते रहना, प्रिंसिपल साहिबा की भी सुनना। ओके। और बोल जो वो कहे चुपचाप करे, सारी बातें माने उनकी। और कह रहे हैं सिकंदर जी कि प्रिंसिपल साहिबा की सारी बातें मानना। और क्या कहा उन्होंने? और क्या कहा आपने? यही तो कहा, जो कहे वो करे, बोलना। सर सर देखिए, डर के मारे ना हमारे हाथ से पसीना छूट रहा है, देखिए जबान भी फिसल रही है हमारी। सर एक काम कीजिए ना, आप ही समझाइए ना हमारी बिटिया को। नमस्ते मैम। अभी से ही स्कूल ड्रेस? आपको पहले से ही पता है कि आपका एडमिशन हो जाएगा? नहीं मैम जी, पता तो नहीं है, लेकिन मैं पूरे मन से चाहती हूँ कि दाखिला मिल जाए। और अगर ऐसा हो गया तो मैंने यही कपड़े पहन के आना है ना, यूनिफॉर्म। और मेरी माँ कहती थी, why wait till tomorrow when you can do something today? आपने एक हफ्ते में इंग्लिश बोलनी सीख ली? ना जी ना, वो सिकंदर जी ने अभी अमीरी जी को इंग्लिश में समझाया था तो मुझे याद हो गया। हु इज अमीरी जी? अमीरी जी मैम हमारा को बोलती है कुल्फी प्यार से। ओके, इफ यू डोंट माइंड जेंटलमैन, मैं कुल्फी से अकेले में बात करना चाहूंगी, आप दोनों बाहर वेट करिए। ऑफ कोर्स मैडम। बिटिया घबराइएगा नहीं, हमको पता है आपने कस के मेहनत की है, तो ऐसे ही जम के जवाब दीजिएगा। जुगनू को जलना ही पड़ा, मंजिलों का शौक था, घर से निकलना ही पड़ा। आप मेरे गुरु हैं और मैंने आज तक जितना भी संगीत सीखा है आपको सुन के सीखा है। जुगनू को जलना ही पड़ा, जुगनू को जलना ही पड़ा।
इतना था कहाँ, भूल थे जो राह में। आशीर्वाद तो देते जाइए। उन पे चलना ही पड़ा, चांद बनने के लिए जुगनू को जलना ही पड़ा। आशीर्वाद की कोई लोड़ है तेनू, वो तो हमेशा तेरे पे है। तेनू घबराने की कोई लोड़ नहीं हैगी, मेरा शेर बच्चा है तू, तेनू आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। बस खुद पे भरोसा रख, क्योंकि मैंने तुझ पे पूरा भरोसा है। नहीं बिटिया, हमारे पैर मत छुइए, हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा है। All the best. Thank you. कुल्फी एक बात बताइए, आपने अपने डैड से भी पहले सिकंदर जी के पैर क्यों छुए? क्योंकि वो मेरे गुरु है और माँ ने सिखाया। गुरु माँ बाबा से भी बड़े होंगे। क्या कैंटीन खोल रखा है इन लोगों ने? न चाय है न कॉफी है सर। बच्चों को कॉफी नहीं पिलाते? क्या बात कर रहे हो सर? और क्या, हमारी अम्मा हमें एक कप गरम दूध में डेढ़ चम्मच कॉफी और आधा चम्मच शक्कर, तब जाके हम पढ़ पाते थे। तूने क्लासरूम नहीं देखे? नहीं, क्यों? देखे क्लासरूम? एसी और फीस? सर यहाँ फीस मालूम है? 1,00,000 रुपए है। ना 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 यार, 1,00,000 नहीं है, 1,00,000 तो सिर्फ ट्यूशन फीस है भाई। मतलब उसके ऊपर से अलग ट्रिप होंगे, कैंप होंगे, पिकनिक होंगी, बढ़ते जाना है जी। तभी कहते हैं कि आप सीनियर हैं, सब पता है आपको। तू ना सीनियर सीनियर कहना छोड़ दे, बता रहा मैं तेनू। लेकिन जानते हैं बोल जूनियर। लेकिन क्या है ना सर, हम चाहते हैं कि हमारी जो बिटिया है वो इसी स्कूल में पढ़े, इन बड़े बच्चों के साथ उसका उठना बैठना हो, दोस्ती हो जाए। क्योंकि जो गरीबी ने थप्पड़ हमें लगाई है ना सर, हम नहीं चाहते हैं कि हमारी गुड़िया को वही थप्पड़ लगे। तूने अभी तक लवली को माफ नहीं किया ना। लवली जी ने जो हमारे साथ किया ना सर, शायद हम उसको भूल सकते हैं, लेकिन जो उन्होंने हमारी बिटिया कुल्फी के साथ किया ना, क्या आप उन्हें पूरी तरह माफ कर पाए हैं? सच क्या है लवली? कुल्फी की डायरी कहाँ? लवली कुल्फी की डायरी कहाँ? लवली ये देखिए भाई साहब, ये इंडिया के 3 बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं। भाई साहब देखिए, देखिए ना, ये तीनों हॉस्पिटल्स मुंबई से बाहर हैं और भाभी की कंडीशन के लिए बेस्ट डॉक्टर्स मिलेंगे। अब देखिए ना, इनमें से कोई भी हॉस्पिटल चूज कीजिए, कोई भी, आज के आज उन्हें एडमिट करवाते हैं और आज के आज उनका उनका सारा ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। लवली, आज देखो लवली, मेरी बात सुनो। मैंने गुंजन से बात कर ली थी, वो अब किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहती। अम्मू की जो भी हालत है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। सब आप समझ क्यों नहीं रहे? आप अपनी बीवी को संभालेंगे, आप भाभी जी को संभालेंगे, मैं अपनी 7 साल की बेटी को कैसे संभालूंगी? हाँ, सोचा आपने? ये वो बच्ची है,
वो जितनी बार भाभी को देखेगी उतनी बार उसके मन में और सवाल उठेंगे ना, और सवाल करेगी जिसका जवाब हमारे पास नहीं होगा। भाई साहब आप तो जानते हैं ना हमारा कैसी है, जब उसे सिकंदर और कुल्फी के बारे में कुछ नहीं पता था तब भी सिकंदर को लेकर वो कितनी पोजेसिव थी, और अब तो उसके मन में डर बैठ गया है कि वो सिकंदर को हमेशा के लिए खो देगी। कल रात की बात है, सिकंदर को पकड़ कर सोई है वो बच्ची, एक सेकंड दूर नहीं होने दिया उसने अपने डैडा को। कल तक जो लड़की इतनी खुश थी कि कुल्फी उसके स्कूल में एडमिशन ले रही है, आज खुद स्कूल नहीं जाना चाहती, क्यों? तो लवली हम लोग उसे समझाएंगे ना? नहीं भाई साहब, अमायरा को और कोई नहीं समझा सकता, सिर्फ मैं समझा सकती हूँ, और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए भाई साहब, प्लीज मुझे वो टाइम दीजिए। मुझे अमायरा को यकीन दिलाना होगा कि उसकी लाइफ चेंज नहीं होगी, उसकी लाइफ ऐसी रहेगी जैसे थी हमेशा से, और इस दौरान मैं अपने दिमाग में ये डर लेके नहीं जी सकती कि कहीं गलती से सिकंदर को कुछ भी बोल दिया, सब बर्बाद हो जाए, सब बर्बाद हो जाएगा भाई साहब, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। जब से लवली नहीं, एक माँ अपने बच्चे की खुशियों की भीख मांग रही, अगर आप मुझे बहन मानते हैं और अमायरा से प्यार करते हैं, उसे अपनी बेटी मानते हैं ना, प्लीज कुछ दिनों के लिए भाभी को लेकर यहाँ से चले जाइए भाई साहब।